नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने टेरेस गार्डन पर लगे हुए फ्रूट प्लांट की अपडेट पे, और साथ ही हम उनकी केयर और पॉट साइज, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि किस साइज़ के गमले में कौन सा फ्रूट प्लांट हम लगा सकते हैं, कैसे उसकी केयर करनी है, और मेरे गार्डन में लगे हुए फ्रूट प्लांट्स की क्या अभी अपडेट है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी जो कि आप देख सकते हैं अमरूद अनार का पौधा है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं इसमें अनार भी बन गया है और ढेर सारी फ्लावरिंग भी हैं, कुछ ड्रॉप हो जाएंगी, कुछ अनार में बदलेंगी, और मैं नीचे दिखाऊँ आपको तो काफ़ी सारी ड्रॉप भी दिख रही हैं। तो अनार के पौधे का यही रहता है, इसमें जितने फ्लावर्स तो ढेर सारे आते हैं पर सारे फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो ये नेचुरल है। पर अगर सारे फ्लावर्स आपके ड्रॉप हो जाते हैं तो फिर आपको इसकी केयर करने की, एक्स्ट्रा केयर करने की आवश्यकता होती है। फिर इसमें आप सरसों खली मस्टर्ड के एक लिक्विड फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करें पौधे को, और वाटरिंग जब फ्लावरिंग की स्टेज पर आ जाए तो वाटरिंग की मात्रा कम कर दें। देखिए, इस प्रकार से मेरी जो कम सॉयल है ये ऊपर से अभी ड्राई है पर थोड़ी बहुत नमी इसमें बनी हुई है, तो इसमें मैंने वाटरिंग जब पूरी तरह से सॉयल मिट्टी ड्राई हो जाए तभी करनी है। और ये 18x18 इंच की ग्रो बैग में लगा हुआ है, आप 15x15 इंच में भी लगा सकते हैं, पर बेटर रिजल्ट के लिए 18x18 इंच का ग्रो बैग इसके लिए काफ़ी सही है। तो आप अनार लगाइए, अनार में मेरे जो है मुझे फ्रूटिंग भी मिल रही है। सेकेंड आ जाते हैं, देखिए ये अमरूद का पौधा है, और अमरूद के मेरे पास करीब 4 पौधे लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। चारों में फ्लावरिंग तो सब में हो रही है, कुछ में ज़्यादा कुछ में कम, ये देखिए इसमें भी फ्लावरिंग है। और ये चूंकि मैंने इसे हार्ड प्रून किया हुआ था, आप देख सकते हैं पौधे का शेप देख के, मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ। तो ये देखिए पौधा कितना बूसी है और कितना बड़ा है, करीब 7-8 फुट का पौधा है मेरा ये, और इसमें फ्लावर्स ढेर सारे लगे हुए हैं, ढेर सारी कलियाँ अमरूद बनने को तैयार हैं। ये भी मेरा पौधा 18x18 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है, और ये देसी पौधा है, ये जो मेरा अमरूद का प्लांट है ये देसी है, और देख सकते हैं इसकी स्टेम कितनी पुरानी है, ये करीब 2-2.5 साल पुराना पौधा है। और मिट्टी जो है आप नॉर्मल गार्डन सॉइल के साथ मैंने राइस हस्क मिला रखी है, ये मॉइस्चर को होल्ड करता है क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो आपको इस अमरूद में कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर की आवश्यकता नहीं होती है, बस आपको टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर देना होता है, और इसमें जो मिली बग्स की समस्या आती है खास करके, और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के स्टेज पे ज़्यादा आती हैं, तो पेस्ट अटैक से बचाना है और अमरूद आपको साल भर फ्लावरिंग फ्रूटिंग मिलती रहेगी। अभी मैं आगे और भी अमरूद के अपडेट दिखाता हूँ आपको, आप देख के दंग रह जाएंगे कि एक एक पौधे में इतने सारे अमरूद कैसे आ सकते हैं। उससे पहले हम इधर से चलते हुए देख लेते हैं, इधर ये मेरा जामुन का पौधा है, इस साल इस जामुन के पौधे में मुझे कुछ फ्लावर्स देखने को मिले थे पर वो सारे ड्रॉप हो गए, तो फर्स्ट टाइम था मुझे लगा था कि कुछ शायद फ्रूट बने पर वो ड्रॉप हो गए। आपको ये सनबर्न दिख रहे होंगे, ये पौधा सबसे किनारे पे रखा हुआ है, जब भी गर्म हवाएं चलती हैं तो डायरेक्ट इस पौधे पे लगती हैं, तो इसकी पत्तियां देखिए काफ़ी सारी केयर करने के बावजूद मिट्टी में देखिए नमी है भरपूर, और कंपोस्टिंग भी करी है पर फिर भी इसकी पत्तियों पर सनबर्न हो गया, पर कोई दिक्कत नहीं है, न्यू लीव्स निकलने लगी हैं, ये पत्तियाँ ड्रॉप हो जाएंगी और नई लीव्स जो पौधे की न्यू ग्रोथ है देखिए हर जगह से स्टार्ट हो गई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पौधे की केयर करते रहना। 18x18 इंच के ग्रो बैग में लगी, नेक्स्ट सीजन देखते हैं, हो सकता है इस बार नहीं आई तो नेक्स्ट सीजन में हमें फ्रूटिंग देखने को मिले। फिर दोस्तों इधर मैं दिखाऊं आपको, यह है आंवले का पौधा, तो अभी काफ़ी नया है ये पौधा और इसमें नई ग्रोथ है, सारी पत्तियाँ इसकी ड्रॉप हो गई थी और नई नई पत्तियाँ आ चुकी हैं और ग्रोथ पे पौधा है अपने। तो जब ये पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, करीब साल भर पुराना हो जाएगा, तो इसके पॉट को हम चेंज कर देंगे, अभी ये 15 इंच के पॉट में लगा हुआ प्लास्टिक पॉट में, फिर हम इसे 18x18 इंच के ग्रो बैग में शिफ्ट करेंगे। तो इधर ये आंवला लगा हुआ है, और ये देखिए ये आपको चेरी का पौधा दिख रहा है, इसमें पिछले साल चूँकि बहुत पुराना पौधा नहीं है, 7-8 महीने का है, और इसमें फ्लावरिंग तो थी पर फ्रूटिंग अभी मिली नहीं है, देखते हैं फ्रूटिंग कब तक मिलती है। और फिर मैं आपको दिखाऊं इधर, देखिए ये पाइनएप्पल लगा हुआ है, पाइनएप्पल में ग्रोथ तो अच्छी स्टार्ट हो गई है, इसको मैंने कटिंग से लगाया था, जो पाइनएप्पल घर पे आता है उसकी ऊपर का हिस्सा जो पत्तियां होती हैं उसमें रूट्स डेवलप करके लगाया, देखिए नई लीव्स तो निकलने लगी हैं,
पाइनएप्पल निकलने में करीब 1 से 1.5 साल का समय लगता है, तो इसे भी लगा रखा है हमने। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये है स्टार फ्रूट और इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। ये 15x15 के ग्रो बैग में लगा हुआ है और कुछ फ्लावर्स तो आए थे पर वो ड्रॉप हो गए हैं। अब वेट करते हैं कि कब इसमें फ्लावर्स और भी ज़्यादा आएंगे। इधर ये देखिए ये 12 मासी आम है, साल भर इसमें जो है फल आते रहते हैं, साल में कम से कम 3 बार इसमें। तो अभी पौधा मैच्योर नहीं है पूरी तरह से, देखते हैं कब इसमें फ्लॉरिंग और फ्रूटिंग आती है। फिर दोस्तों ये अंजीर का पौधा हमारा, इसके पहले भी अंजीर का अपडेट मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, ढेर सारे फल लगे हुए हैं। इसकी मैंने कुछ प्रूनिंग कर दी थी और ढेर सारी नई नई ब्रांचेज आ गई हैं, तो कुछ फल बन रहे हैं और अभी कुछ बन चुके हैं, कुछ बनने लगे हैं। तो इसे भी मैंने 15x15 के ग्रो बैग में लगाया हुआ, बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं दिया है, पर इसमें अच्छी ग्रोथ है इसकी और अच्छी फ्रूटिंग इसमें मुझे मिलती है। इधर आप लोगों को दिखाऊं, ये है चीकू का पौधा और आपको मैं दिखाऊं इसमें फ्लावर, देखिए कितने ढेर सारी कलियां ले रखा है। अब देखना हमें ये है कि इसमें हमें कितनी कलियां इसकी फ्रूट में तब्दील होंगी, क्योंकि लास्ट ईयर जो है इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग तो थी पर वो फ्रूटिंग में तब्दील नहीं हो पाई थी। तो इस बार मैं इसकी स्पेशल केयर कर रहा हूँ। एक बार जब पौधा फ्रूटिंग स्टेज पर आ जाता है, फ्रूट्स बनने लग जाते हैं, फिर मैं वो आप वीडियो आपके साथ साझा करूँगा, क्योंकि अपना जो एक्सपीरियंस है वही साझा करना चाहिए। मैं अभी उसको वेट कर रहा हूँ। 18x18 इंच के ग्रो बैग में लगा रखा है और ये पौधा मेरा करीब 2.5 साल पुराना हो गया है, तो फ्रूटिंग आने के बाद इसकी डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। और अब आते हैं अपने अमरूद के प्लांट पे। देखिए इसमें आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा हो, धूप काफ़ी अच्छी हो रखी है, तो अगर अमरूद इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अमरूद, देखिए अमरूद की संख्या, देखिए भर भर के अमरूद लग रहे हैं। तो एक एक ब्रांचेज में 8-8, 10-10 करीब, मैं काउंट तो नहीं कर रहा पर पूरे पौधे में करीब करीब 70-80 अमरूद लगे हुए हैं फिलहाल, और सभी अच्छी ग्रोथ में हैं सारे अमरूद। तो मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए तो अमरूद भी आप लगा सकते हैं। और सेम केयर ये जो इलाहाबादी अमरूद कहते हैं इसे, 18x18 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है और इसमें मुझे बहुत ढेर सारी फ्रूटिंग मिलती है, हर साल मिलती है और साल भर में 2-3 बार इसमें फ्रूटिंग आ ही जाती है और अमरूद की साइज़ भी काफ़ी अच्छी इसमें तोड़ने को मिलती है। इसके अलावा ये देखिए 2 ड्रम में हमने केले लगा रखे हैं और इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। मैं दिखाऊँ आपको नीचे से, ये ड्रम है, काट के हमने एक ड्रम को 2 बना लिया और उसी में केले लगा रखे हैं और दोनों ही केले अच्छी ग्रोथ पर चल रहे हैं हमारे। केले के लिए दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस है बस इतना है कि आपको इसमें मॉइस्चर नमी अच्छे से बना के रखनी है, मिट्टी को गीला रखना है। केला चूंकि गीली मिट्टी पसंद करता है तो केले को आप जो है पानी की मात्रा अच्छी दीजिए और केला जब एक बार इसकी साइज़ बड़ी हो जाए, फ्रूटिंग की स्टेज पर जाता है, फिर इस पर हमें कंपोस्टिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। और इधर देखिए ये शहतूत का पौधा है और इसमें अभी ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है। इसी साल मैं लेके आया था, जब मैं लेके आया था तो पौधा इतना ग्रोथ नहीं था पर तब भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अभी देखिए इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, मैं थोड़ा दूसरे एंगल से दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए शहतूत का पौधा, ये भी करीब 7 फुट का हो गया है और इसको अब हम कर देंगे ऊपर से प्रूनिंग ताकि ये ज़्यादा हाइट में ना जाए और यहीं पौधा बूसी होता रहे। तो इसमें जब हम लेके आए थे तो उस समय कुछ फ्रूट्स तो आए थे पर अभी पौधे की ग्रोथ अच्छी है, अब फ्रूटिंग के स्टेज पे पहुंच रहा है। और इधर देखिए ये अमरूद, तो अमरूद तो मेरे गार्डन में भर भर के लगे हुए हैं, मैं आपको हर तरफ से दिखाता हूँ और जितने पौधे हैं सब में अमरूद काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो रहे हैं। तो अमरूद तो आप कैसे भी लगा लो, लो मेंटेनेंस पे ये पौधा आपको ढेर सारी फ्रूटिंग प्रोड्यूस करता रहता है। इधर मेरा 12 मासी आम का पौधा था जो मैंने वीडियो में साझा किया था, ड्राई हो रहा था तो मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है और पौधा यहाँ से अभी देखिए ये हरा है, तो इसमें से उम्मीद करते हैं कि नई ग्रोथ निकल के आएगी। तो दोस्तों ये कुछ फ्रूट प्लांट्स जो मेरे गार्डन में अभी लगे हुए हैं और कुछ फ्लावरिंग फ्रूटिंग की स्टेज पर हैं और कुछ में हम वेट कर रहे हैं कि देखते हैं कब तक फ्रूटिंग आती है। तो आप भी अगर अपने गार्डन में फ्रूटिंग प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो आप मेरा सजेशन है 18x18 इंच का ग्रो बैग सेलेक्ट कीजिए और उसमें लगाइए, आपको काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग
मिलेगी उस ग्रो बैग में और नॉर्मल सी केयर पे। और ये सब सन लविंग प्लांट्स हैं, तो पूरी गर्मी में ये पूरे फुल सनलाइट में सर्वाइव करते हैं, अच्छे से ग्रोथ करते हैं। बस इनको आप टाइम टू टाइम वाटर देते रहिए, पानी वाटरिंग करते रहिए और कंपोस्टिंग करते रहिए। आप एक चीज़ मेरे से छूट गई थी, आप पपीता भी लगा सकते हैं। ये देखिए पपीते का पौधा है मेरा, एक इधर लगा हुआ और एक इधर दो पपीते लगे हुए हैं। तो कुछ इसमें अभी फ्लॉरिंग तो आ रही थी पर अभी फ्रूट नहीं बन पाए, देखते हैं, वेट करते हैं। करीब 8 से 9 महीने लग जाते हैं पपीते में फ्रूटिंग में, तो ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है। तो आप ये कुछ फ्रूट प्लांट्स हैं जिन्हें आप अपने टेरेस पे जगह दे सकते हैं और उनसे ढेर सारी फ्रूटिंग ले सकते हैं। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।